हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पीसी सेलू केयर में। मैं हूं देव प्रियदर्शी, आपका इस सेशन लेने के लिए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि नेक्स्ट वीक से आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के क्लासेस हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगे। ठीक है, मैं ही लूंगा। जो बहुत सारे टर्म्स हैं जो जिसके साथ डील करना है, कॉमन टर्म्स हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इकोनॉमी क्या होती है, आरबीआई कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक कैसे काम करता है, लोन कैसे आती है, ये सारी चीज़ें, एनपीए पे बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स में भी काम आ जाएगी, अगर कोई बैंकिंग से रिलेटेड भी कोई काम करना चाहता है तो वो भी, और जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ही। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ जनवरी 2023 की। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो 2.5x में भी आप देख सकते हो, और वीडियो को फुल देखना इफ यू वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सेलेक्टेड। सेलेक्टेड नहीं देखना है, स्किप कर दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आप बैठ करके लिस्ट बनाओगे, उससे अच्छा है आप ये पूरा वीडियो फुल देख लोगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इसका पिक्चर आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन बनाओगे, सही होगा, मार्क्स लोगे और सेलेक्शन लोगे। तो हर मंथ का जितने इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उस पर आपको अपडेट यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए एंड तक देखना, और सुनो, एक काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और या लाइक कर लो, ठीक है, और लास्ट में कमेंट भी करके बताना कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो चाहते हैं आप कि आपको मिले इस चैनल के थ्रू, और क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनवरी में शुरुआत ही 1 जनवरी से, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर भाई। आज हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है क्योंकि खड़मास उतर गया उसके बाद। चलिए कोई नहीं, तो फर्स्ट डे है ग्लोबल फैमिली डे। कुछ नहीं है, ग्लोबल फैमिली डे यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये बताने के लिए उन लोगों ने शुरू किया है ग्लोबल फैमिली डे। अरे भाई, हम तो पहले से ही कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। इवन G20 जो इंडिया में इस बार हो रहा है, इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, तो उसका इंडिया उसको लीड कर रहा है, तो उसका जो थीम है वो भी वसुधैव कुटुंबकम ही है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, यानी कि जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं जो कि बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाते, खुल के बातें रखते नहीं, अपने मन में रखते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो अपने मन में रखते हैं। और ये वीडियो देखने जाए बाद बोल मत देना, थप्पड़ वप्पड़ खाओगे तो बताना, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अंतर्मुखी जो लोग होते हैं उनके लिए वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, पता है बेकार के भी बहुत सारे डे मना दिए जाते हैं, हमारा सिलेबस बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें, याद तो करना है, सिलेक्शन लेना है। चलो 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं, इसलिए थोड़ा फोकस इस पे कम कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पे मैं थोड़ा सा इम्फेसिस ज्यादा करूंगा और उनको एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से करूंगा ताकि आपके ब्रेन में वो चीजें एकदम घुस जाए। शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रख लो, 3 जनवरी को है, लेकिन 4 जनवरी को भूलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन PYQ कि 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल क्यों, किसके नाम पे, लुइस ब्रेल, जिन्होंने इन्वेंटर किया था ब्रेल तकनीक। और ब्रेल तकनीक क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति जो आंखों से नहीं देख सकता, ब्लाइंड है, ठीक है, उसको अब पढ़ तो नहीं सकता, वो देख भी नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, तो वो अपने टच से, अगर आपने कभी एटीएम गया होंगे और फ्रेश एटीएम में जाना, रेगुलर यूज वाले में ना घिस जाता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा जूम करूं आपके लिए, तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा, देखो अगर यहाँ पे टर्म है ए, तो ए के लिए ये एक सिंगल सा डॉट, बी, बी के लिए इस अलाइनमेंट में दो डॉट, सी भी है क्या कहीं यहाँ पे, इसी तरीके से डी, देखो डी को यहाँ पे 3 अलाइनमेंट। अब ये मत कहना कि डी ए फर्स्ट लेटर है इसलिए एक है, बी सेकंड लेटर है तो दो दो, इस हिसाब से तो जेड 26वां लेटर होगा तो 26 लेटर करेगा क्या, ऐसा नहीं होता है, उसके अलाइनमेंट्स अलग होते हैं, उसका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, तो उस पे
इसके लिए ब्रेल ने बहुत बड़ी बड़ा काम किया था ब्लाइंड लोगों के लिए, तो इसलिए ये नाम रखना इम्पोर्टेंट है, और 4 जनवरी डेट भी याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल बर्थडे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई आजकल हमारे, आपने भी महसूस किया होगा, मैं तो करता हूँ, कि पहले हमारे आसपास ना गुड़ैया, छोटी छोटी बहुत सारी चिड़िया हमारे आंगन में या फिर हमारे छत पर, हमारे बालकनी में, गैलरी में आती थी और चहचहाती थी सुबह सुबह। आजकल आती हैं क्या उतनी? सच सच बताना, या तुमने गौर ही नहीं किया? ये कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, बहुत सारे रीजन है, डिफॉरेस्टेशन, उनको घोंसला बनाने के जगह ही नहीं है, अहाते में जगह ही नहीं है, तो करेंगी क्या, धीरे धीरे मर रही है रेडिएशन से, उनके शेल पतले होते जा रहे हैं। हालांकि ये एक अलग विषय है, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है, लोगों को एक मजा आएगा समझने में और जागरूक होंगे, तो उनको जागरूक करने के लिए नेशनल बर्ड डे। वैसे हमारा नेशनल बर्ड है कौन? पीकॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत लोगों को ये कंफ्यूज, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, सच बता रहा हूँ, पीकॉक है, ठीक है, तो ये बात एकदम ध्यान रखना कि हमारा नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक है। बहुत लेजी क्वेश्चन, बहुत लेम क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। 6 जनवरी वर्ल्ड वॉर ऑफ वर्ल्ड डे फॉर वर्ल्ड और फॉर, अब जो वॉर है ना भाई, युद्ध है, तो उसमें लोग मारे ही जाएंगे, युद्ध कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, उसमें जो लोग मरे, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनको याद करने के लिए वर्ल्ड डे फॉर वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन मनाया जाता है 6 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट, 7 जनवरी महायान न्यू ईयर। अब महायान न्यू ईयर क्या होता है? जैसे जैसे हर कोई 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर नहीं मानता, हर कोई, कहने का मतलब कि 1 जनवरी को ठीक है सब मनाते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट होते हैं वो 7 जनवरी को अपना न्यू ईयर मानते हैं, ठीक है, उसी दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो हम याद रखेंगे कि ये बुद्धिस्ट, इस ये याद रखना, ठीक है, आप याद रखो या नहीं, इस पॉइंट में एक चीज याद रखना, कितनी कंट्रीज हैं, कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन सी कंट्रीज, इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है, अच्छा एक बात बताओ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि बुद्धिज्म फॉलो करती है, तो आप कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट एशिया के जितने कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट उसमें बुद्धिज्म है, जैसे तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, और ताइवान 2 बार आ गया, कोई बात, तो तिब्बत कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो मेजर कंट्रीज हैं जिसमें बुद्धिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट है, और वो कौन कौन सा है, तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, चाइना, जापान और कोरिया, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो भाई टू द पॉइंट बात करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा वो आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, टू द पॉइंट बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, याद करना कर लो। अब 8 जनवरी को आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या है, अर्थ रोटेशन डे। इसी दिन क्या हुआ था ना, लियोन फॉलकॉट्स ने, ने 1851 में प्रूफ किया था कि अर्थ जो है, पृथ्वी, वो एक एक्सिस के अराउंड ट्रेवल करती है, 1851 में उन्होंने कहा, तो उसी के याद करने के लिए फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, तो 8 जनवरी को रिकॉग्नाइज किया था। चलो इसको तो तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों 8, 9 जनवरी एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो ऐसे भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं, वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली है बट है तो वो ओरिजिनली इंडियन, या फिर नागरिकता नहीं भी लिए हैं तो भी उसके वहां रहते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, एकदम दिमाग में कंठ बिठा लो, देख लो, ये उसका सिंबल है, प्रवासी भारतीय दिवस, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये बात भी याद रखना है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को ही भारत आए थे, बीपीएससी वालों भाइयों, बीपीएससी, बीपीएससी अलर्ट, ये पॉइंट वहां से भी बनता है कि किस दिन आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तो ये बात याद रखना, 9 जनवरी को वो भारत आए थे, चलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में याद किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है प्यारी हिंदी भाषा, जो हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले 10 जनवरी 1949 को ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए में पहली बार हिंदी बोली गई थी,
इसी को याद रखने के लिए, इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, और हिंदी थर्ड सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। सबसे आगे कौन है? मैंड्रीन। मैंड्रीन क्या है? वही जिसको हम लोग कहते हैं चाइनीज भाषा, एक्चुअली वो कौन सी भाषा है? मैंड्रीन। ठीक है, उसके बाद कौन है? इंग्लिश, और उसके बाद कौन है? हिंदी। चलिए नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11th जनवरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद में एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है इस पे, ताशकंद फाइल्स, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इनको मैन ऑफ पीस भी ग्लिबली कहा जाता था, और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को, उसी दिन जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है। चलिए ये बात याद रखिएगा। तो 9 और 10 ये दोनों तो एकदम रट लो, ये प्रवासी भारतीय दिवस और ये लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी ये हिंदी दिवस, और 11 तारीख लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। नेक्स्ट 11 जनवरी, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। तो चलिए ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिक पे अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसको आप स्किप क्या, पूरा विश्व इनको स्किप नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड लीडर है मेरे भाइयों, ये वर्ल्ड लीडर के रूप में अपने आप को, जो इनका सबसे शिकागो में जो इन्होंने अपना भाषण दिया था वो तो जाना ही जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस देश के सपूत स्वामी विवेकानंद जी की, जिनके जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में ही हुआ था। तो हमारे नेशनल यूथ डे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती को रूप में मनाया जाता है। चलिए तो हमारा एक बार ध्यान फिर से मैं आपका ले जाना चाहता हूँ। 9 तारीख क्या है? NRI प्रवासी भारतीय दिवस। 10 तारीख हिंदी दिवस। 11 तारीख लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। 13 तारीख को एकदम याद रखिए, 12 जनवरी जो है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद 14-15 को ध्यान रखना है, 13 भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, 13-14-15 लोहरी, मकर संक्रांति और पोंगल, इन तीनों को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान इसमें रखिएगा। 15 जनवरी को एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जीके का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी अलर्ट, बीपीएससी क्या मैं तो कहता हूँ यूपीएससी भी अलर्ट, स्पेशली आपके प्री एंड इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं? तो उस दिन पहली बार M.K.M. करियप्पा, करियप्पा भारतीय, ये क्या हम इससे पहले ना क्या था, 1949 से पहले कमांडर इन चीफ कोई ब्रिटिश था, ब्रिटिश होते थे, जनरल एस फ्रांसिस बुचर। तो पूछा जाए कि लास्ट कमांडर इन चीफ कौन थे, तो हम कहेंगे सर फ्रांसिस बुचर, जनरल फ्रांसिस बुचर। और फर्स्ट हमारे जो कमांडर इन चीफ बने वो कौन थे? फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। 15 जनवरी इंडियन आर्मी, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग अस, फॉर प्रोटेक्टिंग अस, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, थैंक यू। चलिए उसके बाद 16 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से शुरू किया है नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप क्या है इस पर भी बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, एक डिटेल करेंगे स्टार्टअप्स क्या होता है। स्टार्टअप अब आम बोलचाल में कहें कि कोई भी आदमी एक नया बिजनेस शुरू करता है और उस बिजनेस को पढ़ाना चाहता है, पढ़ाता है, तो उसको हम स्टार्टअप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा PCS एडुकेयर, ये भी है PCS भी, PSC एडु सॉरी PCS एडुकेयर भी एक स्टार्टअप ही है।
तो स्टार्टअप के लिए है। और 16 जनवरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का डे मनाया जाता है, जो कि अमेरिका के यूएस के एक सिविल राइट, यानी सिविल राइट किस तरीके से, जैसे अमेरिका में जो भेदभाव है ना, वो कलर ऑफ स्किन ब्लैक वर्सेस वाइट है, तो उनके लिए ही उन्होंने वो लड़ाई लड़नी लड़ी थी। उनके स्पीचेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो उनको यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। तो ये थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके रूप में, इनके सम्मान में 16 जनवरी को मनाया जाता है। 17 जनवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन डे, ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, TMM, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय को फुल स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 में, इसलिए 21 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी, स्टेटहुड क्या होता है, जैसे दिल्ली है ना, अभी वो सेंट्रल के गवर्नमेंट के अधीन है, तो हालांकि वहां पे चीफ मिनिस्टर है लेकिन वहां पे LG प्रमुख है, ठीक है। या फिर अभी जम्मू एंड कश्मीर, अभी उसको स्टेटहुड का दर्जा कुछ दिनों बाद मिलेगा, अभी वहां पे LG गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल में लेती है, तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा जो है में त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी को मिला था, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, उनका जन्म 23 जनवरी 1857 में कटक में हुआ था, उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्होंने किस तरीके से, वो एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनकी मृत्यु पर भी बहुत सारे संशय हैं, तो उस पर अलग चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद बहुत जरूरी है कि 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। तो दो जयंती हमारी आई, एक 12 को और एक 23 को, ठीक है। तो 12 किसकी, स्वामी विवेकानंद की, उसको किस रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, और 23 को किसका है, नेताजी का जन्म जयंती। चलिए नेक्स्ट, 24 इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, किसके द्वारा, एजुकेशन न्यूट्रिशन जो भारत सरकार है वो मना, उसको एक एक डे दिया गया, क्योंकि जो गर्ल्स है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, तो बेटियों के लिए, कि बहुत सारे लोग बेटियों को लगता है कि बेटों को पढ़ाते हैं बेटियों को नहीं, हालांकि ये चीजें बहुत कम हुई है सरकार के प्रयास से और लोगों के बीच में जो अवेयरनेस आई है उससे, तो उसके लिए नेशनल चाइल्ड डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, किसको, 24 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट, 24 जनवरी को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 25 जनवरी एकदम याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है, नेशनल वोटर्स डे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, सो 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसको इंडोर्स किया जाता है, फर्स्ट टाइम ये जो है 2011 में सेलिब्रेट किया गया, कि जो यूथ है, जो यंग वोटर्स हैं, वो वोट के लिए अपील करें, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा बहुत जगह वोटर्स 55 वोटिंग परसेंटेज 55% 60% 70% लोग वोट करने के, 35% भी होता है वोट करने नहीं जाना चाहते, कि यार छुट्टी मना लो हॉलीडे मना लो वोट करने मत जाओ, लेकिन वोट बहुत जरूरी है खास करके डेमोक्रेसी में, तो उसमें लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट करने का प्रयास करती है और उसके रूप में जागरूकता फैलाने का प्रयास करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25 जनवरी, ठीक है। उसके बाद हमारा 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे है, ठीक है, तो इसको आप याद रख भी सकते हैं और थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 26 जनवरी को तो खैर
याद रखना ही है, याद रहता ही है, रिपब्लिक डे हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। बहुत लोग गणतंत्र को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं भाई, बड़ी वाली ना होती। चलो, गणतंत्र दिवस तो 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हमारे संविधान को लागू किया गया। हर वर्ष राजपथ पर हमारे प्रेसिडेंट, हमारी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसका ध्वजारोहण करते हैं। इस बार भी किया जाएगा, ठीक है, इस बार भी किया जाएगा। आप कमेंट में मुझे बताएं, कमेंट में मुझे बताओ कि अगर आपको पता है कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन है, चीफ गेस्ट कौन है, कौन है 26 जनवरी पे, और मैं नीचे रिप्लाई में आंसर करूंगा। तो अगर देखता हूं कि आप लोगों को कितने लोगों को पता है, ठीक है, आंसर चेक करना कमेंट में, कमेंट में ये जरूर बताना कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन है 26 जनवरी पे। और हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहली बार ध्वजारोहण करेंगी, पहली बार कोई आदिवासी महिला ध्वजारोहण करने जा रही है, महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। तो 26 जनवरी इस बार देखने योग्य होगा। चलिए, नेक्स्ट 26 जनवरी को ही इंडियन कस्टम्स डे, तो खैर ये एक अलग है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 28 जनवरी याद रखिएगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, मेरे सर पर पड़े हुए एक एक लाठी, अंग्रेजी हुकूमत में की ताबूत में कील के रूप में साबित होगी। किसने कहा था? पंजाब केसरी श्री लाला लाजपत राय, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, फ्रीडम फाइटर। 28 जनवरी 1865 को पंजाब में उनका जन्म हुआ। उन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने में बहुत इनिशिएशन लिया था, ठीक है, और उनकी ही मृत्यु 17 नवंबर 1928 ड्यू टू सीरियस इंजरीज, उनके माथे पे चोट लगने की वजह से हिसार हरियाणा में हुई, मतलब सॉरी हरियाणा में नहीं, मतलब उनकी मृत्यु हुई वहीं पंजाब में। आंदोलन साइमन गो बैक, याद रखिएगा, साइमन कमीशन गो बैक है ना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने में। तो हिस्ट्री का ये विषय है, हिस्ट्री के विषय में आप वर्धन सर से कांटेक्ट करो भाई, ठीक है। तो आप वहां, और इन्हीं के हरियाणा में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस इन हिसार हरियाणा इज नेम्ड आफ्टर लाला लाजपत राय। हिसार में जो वेटरनरी कॉलेज है उसको लाला लाजपत राय के नाम पर ही रखा गया। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, 28 जनवरी एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 30 जनवरी, मार्टर्स डे और शहीद दिवस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एक शहीद दिवस जो 23 मार्च को हमारे तीन सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, वो भी शहीद दिवस है। और महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को ही हुई थी, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी, और तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को ही थी, इसलिए शहीद दिवस या फिर मैटर्स डे के रूप में हम इसको भी मनाते हैं। और शहीद दिवस एक और कि 23 मार्च को, ध्यान रखिएगा कि ये कई बार पूछा गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो 23 मार्च, ठीक है, और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं 30 जनवरी। ये ध्यान रखना, वर्ल्ड लेप्रोसी डे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ दिया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड लेप्रोसी डे क्यों कब मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को मनाया जाता है। लेप्रोसी एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, स्किन का एक रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, लेप्रोसी रिलेटेड डेबिलिटी, और बच्चों में ये भी पाया जाता है, ठीक है। और ये लंबा है, मतलब लंबे पीरियड तक, प्रोलॉन्ग पीरियड तक ये अनडायग्नोज्ड रहता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो इसको एक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक लेप्रोसी डे के रूप में 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो, रुक जाओ अभी, जाओ मत, रुको, थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। और इससे क्या है ना कि एक इनकरेजमेंट भी मिलता है कि यार कुछ सुधार करना है क्या, कुछ और इम्प्रूव करना है क्या, कुछ और टॉपिक्स आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, या इस टॉपिक पे भी हमें वीडियोस चाहिए, आप कंटेंट खोज करके लाओ और बनाओ, ठीक है। तो आप लाइक कर देना दोस्तों,
ठीक है, वीडियो को कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है। अब रेगुलर वीडियोस आपको मिल रहे हैं और बीपीएससी के एग्जाम शायद 12 फरवरी को होगा, तो गेट रेडी फॉर दैट। ये वीडियोस काफी हेल्प करने वाले हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।